सबसे पहले आप सभी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सबका और भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी को होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो आज बात करता हूं कि कौन सा इंसान ऐसा है जो सुखी रहना नहीं चाहता। हर कोई सुखी रहना चाहता है और हर कोई चाहता है कि दुनिया के हर एक सुख सुविधा ऐशो आराम उसे मिले, चाहे वो करता कुछ भी ना हो, आलसी हो, जुआरी हो, शराबी हो, भिखारी हो, छोटा मोटा काम करने वाला हो, छोटी मोटी नौकरी करता है या छोटा मोटा कोई कारोबार करता है। हर किसी की एक तमन्ना होती है कि हर एक सुख सुविधा हमें मिले, कोई भी दुख का एहसास ना हो, जिंदगी पूरी ऐसो आराम से गुजरे। और सुख तो हर किसी का एक कहते जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जरूरत बन गई है। अगर कहते नहीं धन दौलत अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो दुखी, अगर तनख्वाह छोटी मोटी मिल रही है, घर का खर्च नहीं कर रहा चल रहा तो दुखी, कोई शारीरिक पीड़ा कोई बीमारी ने घेर रखा है, दवाइयां चल रही है तो दुखी। मतलब ये दुनियावी जो पैमाने हैं हम इन्हीं से अपना खुशकिस्मती और बदकिस्मती को तय कर लेते हैं। अब छोटा सा आपको दृष्टांत बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि सुखी कौन है। कि वैसे तो देखा जाए संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम कई बार जाते हैं और देखते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग को, क्या बिल्डिंग बनी है, इसमें तो बहुत ऐशो आराम से रहते हैं लोग, हर चीज़ की सुख सुविधा, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इनके पास तो कोई दुख है ही नहीं। मगर कहावत है कि दूर से जंगल घना दिखता है, करीब जाके देखो तो जंगल आपको पता चलेगा घना है या कैसा है। तो मैंने भी बहुत ऐसे बहुत बड़े बड़े अमीरों को देखा, घर जाके देखा कि वो भी बहुत अंदर से टूटे हुए होते हैं। तभी तो कहा है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। अब राम का दास कौन है यहाँ पे? वैसे तो हर कोई भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता, अर्चना करता है, कोई सेवा सत्संग सिमरन करता है, अपने अपने तरीके से हर कोई भगवान की भक्ति करता है, तो हर कोई राम का दास हो गया, तो हर कोई राम की भक्ति करता है। तो सही मायने में राम का भक्त कौन है? अब जैसे आपको बता देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं आपको कि जैसे एक इंसान है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत ही मक्कार इंसान है, धोखेबाज है, छल कपटी है, हर किसी के साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, अपने परिवार वालों को क्या, उसने अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा, तो मेरे साथ क्या वो अच्छा करेगा? तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे, बताओ कमेंट में बताना, विश्वास करोगे? हरगिज नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने सगे संबंधी परिवार और अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ा, तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा, हमें कैसे छोड़ देगा? तो ये बात आपको पता है कि वो धोखेबाज इंसान है, उसने किसी को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देगा। और एक समय ऐसा हो जाता है कि आपका उसका साथ हो गया, कुछ टाइम के लिए उसको आपके साथ रहना पड़ गया और आपको उसके साथ रहना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर सुखी रहना चाहते हैं तो बताइए आप क्या करेंगे? आप उससे सतर्क रहेंगे, उसकी बातों पे अमल कर तो करेंगे मगर भरोसा नहीं करेंगे, बातें उसकी सुनेंगे मगर अनसुनी करेंगे, हर समय चौकन्ने रहेंगे कि पता नहीं ये कब कर्मण ले जाए, कब धोखा दे जाइए, ये भरोसे लायक नहीं है, ये अपना नहीं है, कह तो रहा है मेरे को भाई, कह तो रहा मेरे को चाचा ताऊ कह रहा है, वो मतलब कुछ भी कह रहा है, रिश्ता तो बहुत अच्छा निभा रहा है, मगर कहते मुख में राम बगल में ईंट है इसके, पता नहीं कब ये बगल की ईंट उठा के धमक दे, कब मेरे को मतलब
दबोच दे, कब खा जाए, मेरे साथ कब छल कपट धोखा कर जाए, आपको अच्छी तरह पता है, तो आप हर हाल में सतर्क रहेंगे। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर जो कहते कामनाएं भावनाएं जो सुखी हैं, हम अच्छी तरह से ये जानते हैं, जब हम हमारे अंदर ये समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा, इस दुनिया में हमेशा सदैव कोई नहीं रहा। आप तो क्या सभी जानते हैं कि ये शरीर पता नहीं कब धोखा दे जाए, फिर भी आप इससे इतना प्रेम करते हैं, इसको इतना सजाते, इतना संवारते, इसको इतना सुख सुविधा से लैस कर देना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं ये जो दुनियावी सुख हैं, भौतिक पदार्थ जो भी है, धन दौलत गाड़ी बंगला जो भी है, ये सब क्षणभंगुर है, इस शरीर के साथ है। जब आपका वो दोस्त ही धोखेबाज है, कब धोखा दे जाए, तो उसके क्रियाकलाप तो उसी टाइम खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये पता कि ये शरीर जो है ये धोखेबाज है, ये कब कर्म ले जाए, कब ये हमें धोखा दे जाए, हमें नहीं पता। तो जब ये धोखा दे जाएगा तो इससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, गाड़ी बंगला घोड़ा धन दौलत शोहरत नाम, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम इन्हीं के चक्करों में पड़े रहते हैं, और यही है हमारे दुख का कारण। परमात्मा ने हमें भेजा है, हमारे साथ दो बच्चे हो जाते हैं, अब हम उनकी चिंता करने लग जाते हैं, उनका भी तो परमात्मा है। अगर हमारा शरीर चला रहा परमात्मा, तो उसका शरीर भी तो परमात्मा ही चला रहा है। अगर हमें खान पान परमात्मा दे रहा, तो उनको भी वही दे रहा है। जिंदगी जिसने दी है परमात्मा ने दी है, ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, हर एक शरीर में श्वासें परमात्मा ही चला रहा है, और हर किसी की किस्मत भी परमात्मा ने लिखी हुई है और यही देगा। और हर एक शरीर की कहते हैं जन्म है, जिस शरीर का जन्म हुआ उसका मरण भी होगा, और उससे पहले शरीर के साथ क्या क्या होना है ये परमात्मा ने पहले से ही तय कर रखा होता है। जन्म के साथ ही सारी की सारी लिस्ट हमारे साथ आ जाती है और हमें बाकायदा निभाना पड़ता है। जिस तरह से एक फिल्म बनती है और वो जो कलाकार होते हैं, नेता भी कहते हैं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ होती हैं, वो डायरेक्टर के अनुसार काम करती है, जैसा डायरेक्टर बताता वैसे ही। तो ये परमात्मा हमारा डायरेक्टर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुखी रहना चाहते हैं तो भौतिक पदार्थों को एकदम से अपने से दूर रखें। उनमें मिलके भी कहते हैं कि जिस तरह से कमल कीचड़ में रह के भी कमल ही रहता है, चाहे कीचड़ में रहे चाहे बाहर रहे, वो अपनी सुंदरता कभी नहीं खोता है। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।